हाय एवरीवन, यहाँ पर आज की रीडिंग है गाइस कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, दोनों के मन में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे के प्रति क्या फील कर रहे हैं, एक दूसरे के मन में क्या बातें चल रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है गाइस, ये सेकंड ऑप्शन है जो आपको दिल से अच्छा लगता है चुने। फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर और आपके दिल में क्या चल रहा है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, आप दोनों के मन में जो भी विश चल रही है, जो भी आप चाह रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, हम एक दूसरे के पास रहें, एक दूसरे से प्यार करें या एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो भी आपके मन में विश है वो पूरी होगी। आप जब दोनों मिलते हैं गाइस तो प्यार भरी बातें करें। कहीं ना कहीं आप में थोड़ी बहुत दूरियां दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, प्यार की बातें नहीं करते हैं। तो कार्ड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें, लड़ाई झगड़े वाली बातें आपस में ना करें, तनाव ना बढ़ाएं, बल्कि प्यार बढ़ाएं। एक दूसरे से लव भरी, प्यार भरी, स्नेह भरी बातें करेंगे तो आपका कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये आप दोनों के मन में चल रहा है गाइस। आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड करना, आपके पर्सन आपको जो भी दे रहे हैं कर रहे हैं उसके लिए आप थैंकफुल रहिए कि मेरे पार्टनर मेरे पर्सन मुझे बहुत कर रहे हैं। बेचारे इतना हार्ड वर्क करके मेहनत करके घर पे आते हैं, आपके लिए जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनको आप प्यार से बोलेंगी, प्यार से बातें करेंगी और उनको थैंक यू बोलेंगी तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फील होगा। यहाँ पे निराधार विचार या धारणा से बचे, यानी आपके मन में कोई भी शक आता है, बहम आता है या ऐसी आपके पार्टनर को लेकर कोई ऐसी ख़राब बातें आपके मन में आती हैं कि मेरे पर्सन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बाहर कहाँ जाते हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब जो बातें आपके मन में निराधार बातें आ रही हैं उसको दूर करने की कोशिश करिए, उसको अपने करीब मत आने दीजिए। और ये निराधार बातें जो हैं आप दोनों के बीच में जो है अलगाव लाएंगी, दूरियाँ लाएंगी। यही सब आप दोनों के मन में चल रहा है कि निराधार बातों से बचें, यानी गलत बातों को अपने मन में मत आने दीजिए, बल्कि प्यार भरी बातें करिए, प्यार भरी बातें सोचिए तो आपका जो लव लाइफ रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। आपके जीवन में आपके परिवार का साथ मिलेगा, यानी आपका जो लव लाइफ रहेगा गाइस, जो आपका प्यार रहेगा उसमें आपके परिवार की सहमति रहेगी। अगर आप लव मैरिज भी करते हैं तो आप लव को अपने अरेंज रूप में बदल कर करेंगे, यानी आप अपने परिवार के सहमत से, आप अपने दोनों पेरेंट्स, लड़का लड़की दोनों के पेरेंट्स से मिलजुल कर बात कर कर तब जाके आपका जो मैरिज होगा वो बहुत ही स्ट्रांग वाला बनेगा। क्योंकि लव ज़्यादा अरेंज हो जाएगा जिससे कि आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं वो और भी अधिक अच्छी हो जाएंगी। नई योजनाएं आपके लाइफ में बनेंगी गाइस। यहाँ पर आपके लिए कई, हो सकता है कि आपके मन में हो सकता है पार्टनर आने के बाद दोनों मिलकर कोई बिजनेस खोलें, दोनों मिलकर कोई कार्य शुरू करें, नई योजनाएं शुरू करें जिसमें आपको सक्सेस और सफलता मिले, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप ज़रूर से ज़रूर कोई न्यू बिगनिंग करिए, दोनों मिलेंगे तो कुछ अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लाभ मिलेगा आपके आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में। दोनों में संतुलन बनाना है, आपके मन में
पार्टनर के मन में ये विचार चल रहा है कि हम दोनों में बैलेंस होना चाहिए, हम दोनों में संतुलन होना चाहिए, एक अधिक और एक कम नहीं होना चाहिए, बल्कि लेबल की स्थिति होनी चाहिए। आप और आपके पार्टनर दोनों में अगर मेल होगा, संतुलन होगा, तभी रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर आपके लिए खतरा है। यानी बैलेंस रिश्ते जो हैं हमेशा ज़्यादा टिकाऊ होते हैं गाइस। यही आपके पर्सन के मन में बात चल रही है कि हम दोनों में जो भी चीज़ें हों संतुलन में हों, बराबर में हों, जितना मेरा हक है उतना मेरे पार्टनर का भी हक है, ये सोच रखेंगे तो आपका जो लाइफ है बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलेगा और स्ट्रांग आपका लाइफ बनेगा। हर क्षेत्र में नई शुरुआत होगी, यानी आपके लव लाइफ की भी शुरुआत होगी, आपके करियर में भी ग्रोथ आएगा, आपके जो रिलेशन है उसमें भी मजबूती आएगी। हो सकता है कोई कोई आपको यहाँ पे हर क्षेत्र लिखा है गाइस, तो आप दोनों के मिलने से हो सकता है एक दूसरे का भाग्य खुले, एक दूसरे का लक, एक दूसरे का साथ दे, जिससे कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे और एक हाई पोजीशन पे पहुँचे, आपका कैरियर, आपकी लाइफ, आपकी आर्थिक स्थिति। सही समय है आप दोनों पार्टनर के लिए जो है, यू आर द राइट समय, यानी आपके पास जो समय है वो बहुत सही है, सही समय है आपके पास, उसका इस्तेमाल करिए, इस समय को जायर मत करिए दोनों पार्टनर, क्योंकि सही समय हर वक्त नहीं रहता है दोस्तों। आप उसका सही उपयोग करिए, और जो समय का सही सदुपयोग करता है तभी वो सफलता हासिल करता है, और इसको करके देखिए, तभी आप सक्सेस और सफल रहेंगे। आपकी दोनों की जो लव लाइफ रहेगी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी और बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप दोनों में कोई भी ऐसी बातें हो गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या कोई दूरियां आ गई हैं, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पर्सन आप के मन में ये चल रहा है कि अगर तुमको ज़्यादा नहीं समझ में आता है, ज़्यादा तुम नहीं कर पा रहे हो या कर पा रही हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, शांति रखो, पीस रखो, तो स्थितियाँ अपने आप अच्छी हो जाएंगी, परिस्थितियाँ अपने आप शांत हो जाएंगी, परिस्थितियाँ एकदम बेस्ट हो जाएंगी हम दोनों के लिए। लेकिन थोड़ा सा पीस बना के रखो, शांति बना के रखो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। हाय सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे पार्टनर के इम्पोर्टेंस को समझें। दोनों के मन में चल रहा है कि हमें एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, हम दो एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। आप एनर्जी स्विच कर सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों लोग देख सकते हैं, यानी आप अपने सामने वाले पार्टनर को इम्पोर्टेंट दीजिए, महत्वपूर्ण समझिए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए सब कुछ है। और कुछ लोग समझते भी हैं गाइस, आजकल का जो जनरेशन है वो अपने पार्टनर को वाकई इम्पोर्टेंट देते हैं, अपने पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं, ऐसे सबको समझना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो बहुत ही समझदार है, अच्छा है, तो सामने वाला भी आपके पर वही रिप्लाई करेगा कि मेरा भी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन में उसके सिवा कोई नहीं है, और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात कमाता हूँ, और उसके साथ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, ये भावनाएं चल रही हैं। गलती माफ़ करना, यहाँ पे आपके पार्टनर, दोनों के पार्टनर में ये मन में ये बातें घर कर रही हैं कि हम लोग से कोई भी गलती हो जाए, एक दूसरे से कोई भी गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दो, चाहे मैं गलती करता हूँ तो तुम माफ़ कर दो, या तुम गलती करती हो तो मैं माफ़ कर दूंगा, यानी सॉरी की जो बातें होती हैं, अगर ये संतुलन रहे तो बहुत ज़्यादा रिलेशन स्ट्रांग रहेगा आपका, और वो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रस्ट रखें, एक दूसरे पर विश्वास करें, विश्वास वो शक्ति है जो इंसान को बहुत करीब लेकर आता है गाइस, और आप दोनों वाकई बहुत एक दूसरे के करीब हैं। क्यों करीब हैं? क्योंकि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट रखते हैं, विश्वास रखते हैं।
ये ताका ताकी या झांका नहीं करते हैं, झांकी नहीं करते हैं कि मेरा पार्टनर किधर गया, कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यानी उस पर विश्वास रखते हैं अपने पार्टनर पर, जिसके कारण आपका रिलेशन जो है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता चला गया। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप दोनों, यहाँ पे आप दोनों का जो रिश्ता है गाइज वो ट्विन फ्लेम का है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। आप को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, कोई भी ताकत एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती है, आप ऐसे एनर्जी में हैं यहाँ पर, यानी फेमाइन और जो डिवाइन कनेक्शन होता है गाइज, आप दोनों का बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है लव लाइफ का, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन आप दोनों में सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है। यानी आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा समझते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, गलत बातों को लेट गो करें। अगर आप में कुछ ऐसी गलत बातें हो गई हैं तो उसको लेट गो कर दें, छोड़ दें, उस पर ज़्यादा ताका झाँकी नहीं करें, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें, उसको छोड़ देंगे तब जाके आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्पिंग हैंड, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, अगर दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो आपके जैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसी का नहीं होगा। एक दूसरे को फ्रीडम दें, यहाँ पर एक दूसरे को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है और आप ये फील भी करते हैं, आपके मन में ये चल रहा है कि मैंने अपने पार्टनर पे कोई बंदिश नहीं लगाया है, कोई पाबंदी नहीं लगाया है और मैंने एक दूसरे को फ्रीडम दे दिया है कि तुम जो करना है करो, जो करना है अपने हिसाब से करो, यानी फ्रीडम स्वतंत्रता आपको दिए हैं आपके पार्टनर ने, मेल या फीमेल जो भी हैं, जिसके कारण आपके बीच इतना ट्रस्ट है, प्यार है और लव, यानी बहुत ढेर सारा प्यार है आप दोनों के बीच में गाइज, बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे आपका पुनः मिलन होगा, यानी पुनः मिलन का कार्ड आया गाइस, तो आप मान लीजिए अगर आप में कोई कहा कही हो गई है, कुछ गुस्सा हो गया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो आपका रिकनेक्शन होगा, यानी पुनः मिलन होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ऐसे कनेक्शन में, तो आपका फिर से रीयूनियन हो जाएगा, पुनः मिलन होगा और आपके लाइफ में ढेर सारा प्यार रहेगा गाइस। यहाँ पे पूरे फैमिली को साथ लेकर चलें, यहाँ पे कार्ड के द्वारा एडवाइज़ है गाइस कि अगर मान लीजिए आपको दोनों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दोनों पार्टनर को, तो अपने पूरे फैमिली को साथ लेकर चलेंगे या फैमिली की बातों को सुनेंगे तो आपका कनेक्शन जो है पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। विश्वास रखें, ट्रस्ट के दो दो कार्ड आए गाइस, आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तभी तो ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता अभी तक आपका कायम है, अभी तक आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के रिलेशन में हैं, एक दूसरे के साथ हैं। वर्तमान में जिए, लाइव इन द प्रेजेंट, आप दोनों प्रेजेंट में जी रहे हैं, खुशियों से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, प्यार से जी रहे हैं, आपका लव लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है गाइज, और अब सेकंड ऑप्शन, आप बहुत बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है कि आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, समझते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके कारण आप बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफल हैं। यही रीडिंग थी आज की गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लव लाइफ में तो आप रीडिंग ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एवरीवन।